हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक करिएगा। लेन सारी नकली पेंटिंग्स को ऑक्शन वाली जगह पे लेके आ गया था एंड ये अंकल से कहता है कि मेरे पापा ने ये जिम्मेदारी तुम्हें सोची थी तुम्हारे पर ट्रस्ट करके, लेकिन जब उन्हें पता चला होगा कि तुम महंगी महंगी पेंटिंग्स तो अपने पास रख रहे हो एंड ये फेक पेंटिंग्स यहाँ पर लगा रहे हो, यानी कि तुम्हारे असली रंगों का उन्हें पता चल गया होगा, तो तुमने उसे मार दिया। अंकल कहता है कि तुम्हें यह सब किसने कहा, एंड अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा हो तो सबूत कहाँ पे है। लेकिन ली को सबूतों की ज़रूरत ही नहीं थी, ऑक्शन में इतने सारे एक्सपर्ट्स थे जो ये तो बता ही सकते थे कि ये सारी पेंटिंग्स फेक है। तन अंकल को इस कंपनी से ही बाहर निकाल दिया जाता। अंकल इस पर बड़ा गुस्सा होता है, बट ली इसे दो चॉइस देता है कि या तो इन सभी पेंटिंग्स को इस दरवाजे के बाहर होने वाले लोगों को दिखाएगा, वरना तो अंकल कंपनी के इंचार्ज की पोजीशन से रिज़ाइन कर दें। शी पहले तो अबरोड जा रही थी, लेकिन ये पता चलने पे ये वापस आ जाती है एयरपोर्ट से ही, जहाँ पे ऑक्शन काफ़ी अच्छे से हो गया था। तो शी यहाँ पे पहुँच जाती है, जिसे देखकर ये सब चौंक जाते हैं। शी इससे पूछती है कि क्या उस टाइम ज़्यादा ही बारिश आई थी जब तुमने मेरे पापा को बचाने की कोशिश की थी। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इसके पापा के नाम बहुत बड़ा घपला करवा दिया था। लीजे ने इन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, ये बोल के कि हम इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे, इस पर दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। लेकिन ये जंप कर जाते हैं। इन्हें बचाने के चक्कर में ली की लेग बहुत शार्प चीज़ से लग रही थी, बट फिर भी इन्हें छोड़ नहीं रहा था। अब लोहे की चीज़ से कट रहा था तो जंग भी लगता है, ऊपर से बारिश भी, इससे इन्फेक्शन फैल गया था। शी के पापा ने सुसाइड कर ली थी एंड ली की लेग को काटना पड़ा था। शी इस पर बड़ा गुस्सा होती है कि अगर आज मुझे पता ना लगा होता तो क्या तुम मुझे कभी भी नहीं बताते। ली इसे गले लगा लेता है, इसे शी के लिए यहाँ पे खतरा लग रहा था, इसलिए इसे कहता है कि तुम कल को वापस चले जाना। बट शी यह वापस नहीं जाना चाहती थी, यहीं पे ली के साथ रह के इसकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन ली से बताता है कि जैसे तुम सोच रहे हो, मेरे और मेरे अंकल का रिलेशन उससे ज़्यादा खतरनाक है। वो कंपनी पे तो अपना कंट्रोल चाहती हैं, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने मेरे पापा की डेथ की है, क्योंकि उनकी डेथ से पहले उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि जब वो हॉस्पिटल से ठीक होके आएंगे तो अंकल की सारी पावर्स छीन लेंगे। बट फिर उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद ली को खबर मिली कि सबसे बाद में उन्हें देखने के लिए इसके अंकल ही गए थे एंड इसके पापा ने इसके अंकल के नाम 10% शेयर भी कर दिए। एंड अब ये स्पाइडर नाम के पर्सन को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि सारी गुत्थी खुलने वाली थी। लेकिन ये बात किसी भी हालात में अंकल को पता नहीं चलनी चाहिए थी कि स्पाइडर को ढूंढ रहे हैं। ऑस्कर को बड़ा बुरा लग रहा था कि इतनी मुश्किल से तो इसे इतने बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला था, जहाँ पर बेहोश होकर गिर गया। लेकिन चूचू आके इसे इनकरेज करती है कि कोई बात नहीं, ऐसे मौके तुम्हें बार बार मिलते ही रहेंगे, उस इंसिडेंट से तुम फेमस भी तो हो गए हो। दरअसल कॉलेज टाइम पे ऑस्कर सिंगिंग किया करता था एंड ये ड्रम बीट करती थी। ऑस्कर को भी पता था कि इसने म्यूजिक ज्वाइन सिर्फ लीजे के लिए ही किया था। ऑस्कर इसे कहते हैं कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। चुचू कहती है कि हाँ, मैंने शी को आज एक्सप्लोर किया, वो कितनी ब्रेव है, उसे यहाँ पे खतरा है फिर भी कैसे वो वापस आ गई, मैं भी अब ऐसा ही करने वाली हूँ। इसके जाने के बाद ऑस्कर सोचता है कि मैंने तुम्हें अदर पर्सन को एक्सप्लोर करने को कहा था, लेकिन फिर भी एक पर्सन के ही पीछे हो। हार्मिंग के पास शी का फ़ोन आता है, जिसे पहले तो गुस्से में रिसीव नहीं करता, बट बाद में इसे करनी ही पड़ती है। शी इसे सॉरी बोलती है कि जब मुझे पता चला ली इंजरी मेरे पापा को बचाते हुई है तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये इसे सिर्फ इतना कहता है कि अपना ध्यान रखना। ये अपने पहले टाइम को याद करता है जब शी की बहन इसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। ये इसे अपने घर पर लेके आई थी, जहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम शी को देखा था, जो कि अब से पहले अब्रॉड रहती थी। शी की बहन इसे लाइक करती थी, यानी शी को लाइक करने लगा था। ये इसे गिफ्ट करने के लिए एक बार टॉय भी गेम में विन करके लाया था, लेकिन ये इसकी बहन ले लेती है एंड काफ़ी खुश होती है कि इसी के लिए है। लेकिन ड्राइवर को पता चलता है कि स्पाइडर, जिसका रियल नेम तो कुछ और ही है, उसकी बेटी को कोई बीमारी है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब सिर्फ उस पर्सन को ढूंढने के लिए पूरे हॉस्पिटल को ही बहुत सारा फंड भिजवा देते हैं। सभी शेयर होल्डर्स लीजे की काफ़ी तारीफ करते हैं कि ऑक्शन इतना ज़्यादा अच्छा गया। इसके साथ ही अंकल सबको अनाउंस करते हैं कि मैं तो बड़ा बुरा हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी अब लीजे को सौंप रहा हूँ एंड अपनी चेयरमैन की गद्दी से रिजाइन दे देता है। शी जो कि अपनी जॉब पे वापस आ गई थी, तो इसे चूचू बुला लेती है। इसे लगा था कि चूचू इसे पूछेगी कि ये वापस क्यों आ गई, तो एक्सप्लेनेशन देने लगती है। बट चूचू इसे बताती है कि मैंने ये सब पूछने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं लीजे को लाइक करती हूँ तो अब से मैं तुम्हें ऑफिशियली कम्पीट करूँगी। ये बात इनकी एक स्टाफ मेंबर भी सुन लेती है, जो कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आई थी। लीजे भी यहाँ पे थोड़ी देर में आ जाता है, लेकिन ये इसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। ये शी को लंच पे लेके आता है, जहाँ पे शी को काफ़ी चिंता हो रही थी कि जो स्टेप इसने अभी उठाया है, अंकल ने भले ही रिज़ाइन किया हो बट उसने हार नहीं मानी होगी, अब वो काउंटर अटैक करेगा।
लेकिन लीजे को बस देर थी स्पाइडर के मिलने की, फिर सारे सबूत इसके पास थे एंड इसने अपने ड्राइवर को भेज दिया था स्पाइडर के ठिकाने का पता लगाने के लिए। बातों बातों में ये ऐसे ही चूचू का जिक्र कर देता है कि हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। शी इस पे जेलस होके कहती है कि हाँ तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड्स भी सेम है, तुम बचपन के फ्रेंड भी हो तो तुम तो एक आइडियल कपल हो। लीजे इसकी जेलसी देख रहा था कि अपने नूडल्स में इतना सारा विनेगर डाल लेती है। अब ये भी इसे चिढ़ाने को कहता है कि आइडियल कपल क्यों, हम तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। ये उसकी काफी तारीफ करता है लेकिन बाद में कहता है कि चाहे वो कितनी अच्छी हो बट मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। अंकल को सेक्रेटरी बताती है कि ली स्पाइडर को ढूंढ रहा है जिसमें उसकी ड्राइवर अनोस्कर उसकी हेल्प कर रहे हैं। अंकल को आइडिया आता है कि क्यों ना लीजे को किसी झूठे स्पाइडर से मिलाया जाए। अभी तो लीजे की एक ही टांग टूटी है लेकिन वह झूठा आदमी उसे बुला के उसकी दोनों टांगे तोड़ दे एंड चेयरमैन की कुर्सी अपने आप ही से मिल जाए। आज इसकी सेक्रेटरी का बर्थडे था इसलिए इसे रिंग भी गिफ्ट करता है। सभी गर्ल्स वोटिंग कर रही थी कि कंपटीशन में शी जीतेगी या फिर चूचू एंड सभी चूचू को वोट देते हैं क्योंकि चूचू एंड ली काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं एंड चूचू बिजनेस में भी एकदम परफेक्ट है। चूचू की एक चमची आके उसे बताती है कि सबने आपको ही वोट की है। चूचू का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड ये ली को बुलाती है ये बोल के कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं कुछ बिजनेस की बातें करने के लिए। लेकिन जब ली यहाँ पे आता है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चूचू बताती है कि मेरे पापा ने प्लान कैंसिल कर दिया बट अब मैं तुम्हें बुला के मना करके तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। ये हमें बताना स्टार्ट करती है कि मैंने हमेशा जिस चीज़ को चूज़ किया है मैंने उसे हमेशा जीता है बट इतने कॉन्फिडेंस के बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई कि कभी मैं तुम अपना लव कन्फेस कर सकूं। मैंने तुम्हारे लिए स्कूल में म्यूजिक ज्वाइन किया देन तुम्हारे लिए ही होटल मैनेजमेंट किया और न जाने क्या क्या ये सोच के कि शायद तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लेकिन मेरी ये सारी होप चली गई जब तुम्हारी लाइफ में शी आई, इसलिए अभी इसे कन्फेस करती है कि इसे लाइक करती है। शी बैठी सोच रही होती है कि ली उसके साथ डिनर पे गया है, पता नहीं अब कब को आएगा। ली का ड्राइवर से कुछ पता नहीं आया था लेकिन जब ये ली नहीं होता तो इसे बिना बताए ही चला जाता है क्योंकि स्पाइडर के बारे में कोई बात जान के आया था। चूचू काफ़ी सैड होके आ रही थी बिकॉज लीसे ने इसे ये बोल के रिजेक्ट कर दिया था कि हमें लाइफ का पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। मुझे नहीं पता था कि जब मैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाऊंगा तो पहाड़ के ऊपर मुझे मेरा फर्स्ट लव मिल जाएगा जिससे मुझे पहली नज़र में प्यार हो जाएगा। तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा पर्सन बना है जिसके बारे में भी तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम उस पहाड़ की पीक पे नहीं पहुंची हो। चूचू ने इससे पूछा था कि अगर शी के आने से पहले मैं तुम्हें कन्फेस करती थी तो, बट ली ने कहा था कि हमें ऐसी सपोजिशंस नहीं करनी चाहिए। इस सब के बाद चूचू का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अब जैसे कि अंकल ने झूठ में बात फैला दी थी जानबूझकर कि स्पाइडर मिल गया है तो ऑस्कर को पता चलता है एंड ली को बता देता है कि उस स्पाइडर का मुझे पता चल गया। अभी वो इसी शहर में है, उसने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है तो वो बेचारा छुपा हुआ है कि कहीं जिसने उससे कर्जा दे रखा है उससे पैसे मांगने ना जाए एंड उसे पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लीजे स्पाइडर को मिलने के लिए बुलाता है तो ये कहता है मुझे क्या पता कि तुम उससे पैसे लेना चाहते हो। मैं तुमसे मिल तो लूँगा लेकिन तुम्हें मेरे लिए पैसे लेके आने पड़ेंगे जो कि मैं अपने पैसे लेने वाले को दे सकूँ एंड हाँ अकेले आना, अगर ज़्यादा तेज बने तो मैं तुम्हें मिलूँगा भी नहीं। अब ली इसे मिलने के लिए अकेला आता है, ऑस्कर के साथ आया था बट इसे भी छोड़ के जा रहा था। ऑस्कर को काफ़ी चिंता थी तो ये कहता है कि अभी मुझे उसकी हेल्प की ज़रूरत है इसलिए इतना तो करना ही पड़ेगा। लीजे इसे ढूंढने के लिए जाता है जहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है। अंकल एंड सेक्रेटरी को मैसेज आता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब चेयरमैन की कुर्सी तुम्हारी, यानी कि इसकी टांगें तोड़ दी। चूचू एंड शी को भी लीजे के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है एंड अंकल को खबर आती है कि एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल की जगह घर पे ही ले जाया गया है। अब इसे भी चेक करने जाना था कि उसे आखिर कितनी बुरी तरह से तोड़ा गया है। सबसे पहले तो ये पूछता है कि तुमने इसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं एडमिट कराया। ड्राइवर कहता है कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है इसलिए हम इनके पर्सनल डॉक्टर को ही लेके आए हैं क्योंकि क्या पता हॉस्पिटल में उनके लिए खतरा हो। अंकल ऐसे दिखा रहा था जैसे इसे पता नहीं लीजे की कितनी चिंता है बट देखने सिर्फ इतना आया था कि असली में घायल हुआ है या नहीं एंड डॉक्टर से बताता है कि कोमा में चला गया है। इसका फेस पूरी तरह से कवर था। ड्राइवर बताता है कि चोटों की वजह से है बट ये तो देख के ही इसे चैन आता है कि सच में ऐसा कुछ है या फिर लीजे की जगह किसी और को ही लेटा रखा है लेकिन ये लीजे ही था। ये शी से पूछता है कि जैसे कि अब ली का फेस खराब हो चुका है तो क्या अभी तुम इसके साथ ही रहोगी। शी कहती है कि हाँ मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी एंड इसका एंड चूचू का ली के बारे में सोच सोच के बुरा हाल हो रहा था। अंकल यहाँ से चेक करके जा रहे थे बट चूचू इसे कहती है कि कहीं तुमने तो ये सब नहीं किया, कल ही तुमने अनाउंस किया कि तुम अपनी गद्दी से दे रहे हो एंड आज इसकी किसी ने इतनी बुरी तरह से पिटाई कर दी। अंकल कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा शक मुझ पे है, तुम्हारे जगह कोई औरत वो भी यही सोचता
बट मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सेक्रेटरी को लग रहा था कि कहीं सब नाटक तो नहीं कर रहे हैं, बट अंकल ने शी एंड चूचू की रोती हुई हालत देखी थी इसलिए इसे यकीन हो गया था। शी रो रही होती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था हम दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे। अंकल अपने आप तो यहाँ से चला गया था, बट सेक्रेटरी को बोला था कि वो यहीं पर नज़र रखे। ड्राइवर आके बता देता है कि अंकल तो चला गया बट सेक्रेटरी यहीं पर नज़र रख रही है। ये सुनते ही लीजे एकदम से उठ जाता है क्योंकि उसकी चोट भी फेक थी एंड ये मार्क भी फेक था। दरअसल जब इसने उस झूठे स्पाइडर के पास फ़ोन किया था उसने कहा था कि मुझे अभी इतने पैसों की ज़रूरत है, तो लीजे ने बोला था कि आते आते मैं तुम्हारे बेटे के लिए भी कुछ लेके आऊँ क्या। उसने कहा था कि नहीं, बट बात ये थी कि उस नकली स्पाइडर को तो इतना भी नहीं मालूम था कि स्पाइडर के पास एक बेटा नहीं एक बेटी है। देन इसके ड्राइवर ने भी इसे बता दिया था कि जो असली वाला स्पाइडर है वो इस शहर में नहीं दूसरे शहर में है, जिसका इसे पता चल गया है। लीजे वहाँ पर गया था तो इसका नहीं उस फेक स्पाइडर का इलाज किया गया था एंड उसके फ़ोन से मैसेज कर दिया था कि काम हो गया है। अब यह ऑस्कर को जिम्मेदारी देता है कि ली बन के यहाँ पे लेट जाए। शी को इस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसने इसे इस सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन ये कहता है कि मैं ठीक हूँ ना। ये कहता है कि इस बारे में मुझे ये तो पता चला कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। चूचू ली के पीछे जा रही थी बट ऑस्कर इसे रोक लेता है कि मुझे पट्टी करो, क्योंकि ऑस्कर को यहाँ पे लीजे बनना था एंड ली को जाना था स्पाइडर को ढूंढने, बिकॉज उसका ड्राइवर अब वहाँ पे नहीं जा सकता था। इसके ऊपर अंकल के सेक्रेटरी की नज़र हो गई थी। शी भी जिद करती है कि भी लीजे के साथ वहाँ पे जाएगी, बट बाहर इन पे नज़र रखी जा रही थी इसलिए ली ऑस्कर के कपड़े पहन के एंड ये चूचू के कपड़े पहन के यहाँ से निकल जाते हैं एंड सेक्रेटरी को पता भी नहीं चल पाता इतनी दूर से। शी जाने से पहले ये बात हाउमिंग को भी बता देती है कि वो कहाँ पे जा रही है एंड क्यों जा रही है। हाउमिंग को उसकी थोड़ी चिंता हो रही थी बट ली से कहता है कि मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा इसलिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। जाते जाते हाउमिंग इसे बोल देता है कि तुम्हें उसकी चिंता ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्योंकि वो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि इसे इस बात का गिल्ट है कि उसके पापा की जान बचाते हैं तुम्हारी लेग इंजरी हुई, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ली का मूड इससे ख़राब हो गया था लेकिन ये इस बात को जाहिर नहीं करता। हाउमिंग ने शी के लिए डिनर तैयार किया था बट वो तो अब ली के साथ जा रही थी। इसकी बहन अपनी डॉल से बोल रही होती है कि तुम एक गुड गर्ल हो ना। ये कहता है कि हाँ वो एक गुड गर्ल है एंड मैं उसे हमेशा अपने पास ही रखूँगा, हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।